प्रणाम दोस्तों, नमस्कार। आज जो साइंस का पेपर हुआ है 6 से 8, साइंस और मैथ, उसमें अपने जो पढ़ाया था उसके बारे में और आंसर की अपने सीरीज़ के बारे में अपने जो है उनको वो सीधा मिला लेना। 91 से अपने क्वेश्चन शुरू हुए थे सेक्शन 4A के अंदर। तो गणित विज्ञान के अंदर हमने इससे पहले जो वीडियो भी डाली थी और सीरीज भी शुरू की थी बीआर सर और मैंने, उनमें से 24 क्वेश्चन एज इट इज़ पूछे गए हैं। मैं आपको उसके बाद पीडीएफ में निशान लगा करके भेज दूंगा। 24 क्वेश्चन एज इट इज़ 33 में से आए हैं। तो पहला प्रश्न अपना शुरू करते हैं। राजस्थान जीरा उत्पादक, यानी ये एक राजस्थान के भूगोल से प्रश्न पूछा गया है। राजस्थान जीरा उत्पादक में जोधपुर, जालौर और बाड़मेर, सिंपल क्वेश्चन है। फिर फॉर्मिंग फेस और मैचुरेशन फेस, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा गया है सेल से, कोशिका से, भी कोशिका के जो अंग हैं ऑर्गेनल्स, उसमें से कौन सा अंग है जो फॉर्मिंग फेस और मैचुरेशन सिस फेस और ट्रांस फेस रखता है? तो गोल्जी बॉडी रखता है। मोलर टीथ, इसका सूत्र मैंने आपको बताया था 21 से 21 याद रखना बेटा। ICPM, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ये यानी ICPM, मैं समझता हूँ कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। 21 से 23 लास्ट में मोलर आता है, तो लास्ट में हमारा 3-3, यानी 3 दांत ऊपर होते हैं, 3 नीचे होते हैं मोलर, तो 3 को हम इधर 3 होंगे, इधर 3 होंगे, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 6। फिर था कठिनाइयों का निदान, यानी विज्ञान का जो शिक्षण है उसमें डायग्नोज और रिमीडियल टीचिंग चलती है। मान लीजिए कुछ कठिनाइयां आ रही हैं, तो उसको पहचान के लिए हम कौन सी टीचिंग करते हैं? डायग्नोज टीचिंग। और उनको दूर करने के लिए हम कौन सी विधि अपनाते हैं शिक्षण की? वो अपनाते हैं रिमीडियल टीचिंग। तो कठिनाइयों का निदान करने के पश्चात कौन सा शिक्षण किया जाता है? रिमीडियल टीचिंग। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, और यहाँ से सस्पेंशन यानी आप लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं और थोड़ा सा सस्पेक्टिव है। यहाँ पूछा है कि साइंस का प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ साइंस क्या है? तो प्रोडक्ट ऑफ साइंस के अंदर अगर अपने बात करें इसके ऑप्शन की, हाइपोथेसिस का निर्माण, ये पहले होता है, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर हम उसके बाद में हमारे वैज्ञानिक नियम की स्थापना करते हैं, और इस प्रकार से हमारे अंदर एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है। तो साइंटिफिक लॉ हम कह सकते हैं, वैज्ञानिक अभिवृत्ति के आधार पर वैज्ञानिक नियमों की स्थापना करना, ये इसका सही उत्तर है। मानव में निषेचन स्थल कौन सा है? तो मानव में निषेचन स्थल मैंने आपको बहुत बार कहा है, नीट में भी बहुत बार प्रश्न पूछता है। सही उत्तर इसका है एम्फुला और एस्टेमस का संधि स्थल, यानी तुम्बिका और संकीर्ण पथ का संधि स्थल, लेकिन इसमें उत्तर इसमें ऑप्शन है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब यानी अंड वाहिनी होती है, उसके 3 भाग होते हैं, 3 भागों का एम्फुला और एस्टेमस है, उसका संधि स्थल सही उत्तर होता है। तो उसमें जो ऑप्शन है वो फैलोपियन ट्यूब या अंड वाहिनी है, वो सही माना जाएगा। हाइड्रा में जनन की जो विधि है एलिंगिक की, वो बडिंग है। हॉटस्पॉट शब्द है हमारे जहाँ पर बायोडाइवर्सिटी, हमारी जीव विविधता बहुत ज़्यादा होती है, उनको हम हॉटस्पॉट कहते हैं, ये नाम दिया था नॉर्मन मेयर ने। डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल, यहाँ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऐसे प्रश्न हैं जो आपको रीट के अंदर सिलेक्शन देंगे। ये 10th की एनवायरनमेंट वाला 15वां लेसन है, वहाँ से प्रश्न आया है, और एज इट इज़ IAS 2017 में प्रश्न पूछा गया है। डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल जो है उसकी निस्तारण की 4 विधियाँ बेटा, भस्मीकरण होता है जिसको इंसर्शन कहते हैं, पैरालिसिस होता है, बायोमेथिलेशन होता है और प्लाज्मा आर्क होती है। ये विधि याद रखना, वापस पूछ सकता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उनके लिए काम आती है, ये हमारी ठोस यानी बायोडिग्रेडेबल, जैसे उनमें मेथेन गैस बनती है और ये हमारा वायु ईंधन बनाने में काम आती है। पायरोलाइसिस, पायरोलाइसिस का मतलब है बहुत उच्च ताप पर हम किसी को गर्म करते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल के लिए काम आती है, और बायोडिग्रेडेबल बायोमेडिकल डिस्पोजल को दूर करने के लिए विधि काम आती है भस्मीकरण। बर्डमैन ऑफ इंडिया, वेरी सिंपल पर्सन है श्रीम अली। और एल्यूमिनियम सल्फेट, आपको पता है एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम जो है उसकी संयोजकता होती है 3 और सल्फेट की होती है 2, तो इसकी संयोजकता इसके नीचे, इसकी इसके नीचे। सिंपल क्वेश्चन था, सबसे आसान क्वेश्चन इस एग्जाम का। सबसे कम गलनांक जब धातु और अधातु में आपको पढ़ा रहा था, उसमें मैंने आपको कहा था कि गैलियम को अगर अपने हाथ पे रखते हैं तो वो पिघल जाती है, हाथ पे रखने पर पिघलने वाली धातु गैलियम, तो सबसे कम इसका गलनांक हो जाएगा। क्षारीय माध्यम है, वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, मैंने आपको ये जो हम अपने पढ़ रहे थे प्राकृतिक और सिंथेटिक इंडिकेटर्स, वहां पढ़ा था फिनोफ्थलीन को अगर हम अमल में डालते हैं तो कलरलेस हो जाती है, अगर बेस में डालते हैं तो उसका कलर पिंक हो जाता है, इसको इंडिकेटर कहते हैं, अम्लीय क्षारीय माध्यम का बताने वाला सूचक। एथिलीन ग्लाइकोल और टेरिथेलिक एसिड है, उसको अगर हम मिलाएं तो बहुलक यानी पॉलीमर बनता है, वो पॉलीमर है। डेकारोन यानी उसको हम टेरिलीन भी बोलते हैं, अरे लुगाई क्या, टेरिलीन की साड़ी, टेरिलीन का कपड़ा, डेकारोन इसका नाम है। आगमन विधि हमेशा जीवन में याद रखना, आगमन और निगमन से मैंने आपको पहले भी जब शिक्षण विधियां करा रहा था मैंने कहा था यहां से पर्सन बेटा 2-2 पर्सन फिक्स हैं हर एग्जाम में। आगमन विधि याद रखना PGI, अरे आपने चंडीगढ़ PGI हॉस्पिटल है नहीं, PGI, आप पर्टिकुलर टू जनरल, इस विधि को कहते हैं इंडक्टिव विधि, विशेष से सामान्य की ओर उदाहरण देकर के नियम की स्थापना करते हैं, यहां हम अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं,
यहां हम अंश से पूर्ण की ओर जाते हैं, याद रखना हमेशा, ठीक है ना। तो पार्ट टू भूल जाते हैं हम। फ्यूज तार किस सिद्धांत पे काम करता है बेटा, ये मैंने आपको अच्छी तरीके से विद्युत धारा का जो पाठ पढ़ाया था उसमें बताया भी था कि ये धारा, ये विद्युत धारा के उसमें प्रभाव जैसे ही यहाँ फैलेगा फ्यूज तार गलना के गल जाएगा और विद्युत धारा कट जाएगी। प्लाइन वेग, यहाँ आप गलती करके आ सकते हैं क्योंकि आप पढ़े बहुत जल्दी जल्दी में प्रश्न पढ़ते हैं। 11.2 तो आपको याद है लेकिन 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड यहाँ प्रति घंटा भी दे रखा है तो वो थोड़ा सा मिला लेना। कागज पर जो हमारी चित्र होती हैं, सूचनाएं होती हैं, उनको संग्रहित करने का, कंप्यूटर में संग्रहित करने का काम कौन करता है? बहुत बढ़िया प्रश्न ये पूछा गया है। इस प्रश्न में अगर अपने देखें कि द डिवाइस यूज स्टोर डॉक्यूमेंट पिक्चर अवेलेबल ऑन पेपर इनटू डिजिटल मेमोरी, याद रखना डिजिटल मेमोरी पूछा है, डिजिटल मेमोरी पूछा है, अंडरलाइन कर लेना डिजिटल मेमोरी, ठीक है। वैसे तो इस पे लोग ऑब्जेक्शन भी लगाएंगे, मैं अभी कह रहा हूं, लेकिन इसका सही उत्तर होगा बेटा स्कैनर। क्यों? क्योंकि ओएमआर यानी ऑप्टिकल जो आप भर रहे थे आज, ऑप्टिकल मार्क रीडर जो आपकी ओएमआर चेक होगी कंप्यूटर से, वो भी डिजिटल स्कैन होगी। स्कैनर, ये स्कैनर एक डिवाइस है, ओएमआर एक विधि है, और एमआईसीआर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, और प्लॉटर जो होता है वो है प्रिंटर। ये तो आ ही नहीं सकता, ये तो आउटपुट डिवाइस है। तो ये तीन इनपुट डिवाइस थी, तो लेकिन मेन डिवाइस पूछे तो डिवाइस होती है स्कैनर बेटा, है ना। ओएमआर एमआईसीआर ये इसकी प्रोसेस है, और आप ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जो हमारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं एनालॉग में उनको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है स्कैनर। तो इसका सही उत्तर होगा स्कैनर, ओएमआर और एमआईसीआर ये इसकी विधियां हैं। फिर हम बात करते हैं एसबी किसका प्रतीक है। मैं आपसे बहुत बार ये चर्चा भी करता था क्लास में बैठा इसको, और इसका जो एंटीमनी, अरे धन के विरुद्ध है वो, बिल्कुल। फिर हमारा शुद्ध जो हम कल ही में पढ़ा रहा था, तो कल भी मैंने चर्चा की थी खूब सारा, पहले पार्ट से प्रश्न पूछा है प्योर मैटर से, सराउंडिंग अस प्योर मैटर। तो यहाँ यौगिक का उदाहरण पूछा है बेटा, है ना, निम्न में से कौन सा यौगिक है, देखो कितने मूर्ख बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ तत्व यौगिक मिश्रण जो पार्ट है ना आपका पहला ही पार्ट, हमारे आसपास के पदार्थ पहला ही पार्ट है, याद रखना नाइन्थ क्लास का, उससे ये प्रश्न आया है। मैं कल ही कह रहा था जिसमें जिसको हम सूत्र में लिख सकें वो यौगिक होता है, निश्चित सूत्र जिसका होता है वो यौगिक होता है, जिसका सूत्र नहीं होता है, दो से अधिक तत्व होते हैं वो मिश्रण होता है, और जिसको केवल हम प्रतीक के रूप में लिखते हैं वो तत्व होता है, पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप तत्व होता है। तो ये यौगिक के रूप में हम बात करें तो यहां जल यौगिक है, ग्रेफाइट ओजोन हीरा तीनों ही तत्व हैं, तीनों ही तत्व हैं, शुद्ध रूप हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पत्ति में पास्कल, ये भी पहले पार्ट से पूछा है, आप देख लेना लास्ट में हेडिंग डाल रखी है नाइन्थ क्लास का पहला पार्ट, तो दाब है पास्कल के यादगार में इसका मात्रक रखा गया, ऐसा ही मात्रक। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का जो संचरण है, ट्रांसफर है, वो किस विधि से होता है? तो रेडिएशन विधि से होता है बेटा, विकिरण विधि से। अगर पूछता है कि वायुमंडल गर्म किस विधि से होता है तो उसका उत्तर थोड़ा सा हम कन्वर्ट कर देते हैं, कन्वेंशन कर देते और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है कि परस्पर 60 डिग्री के कोण पर दो समतल दर्पण को हम रखें तो उससे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या कैसी होगी? हमेशा 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 जीवन में गांठ बांध लेना, उसका उत्तर हमेशा विषम संख्या में आएगा। 360 बटा थीटा, अगर जो मान यहाँ कोण दिया जाता है उसका भाग देते हैं 360 में, अगर यहाँ आने वाली संख्या विषम है तो कुछ नहीं घटाते, अगर यहाँ आने वाली संख्या सम है तो उसे कम कर देते हैं। 360 बटा 60 6 आ रहा था, विषम संख्या में कभी प्रतिबिंब नहीं बनते, हमेशा प्रतिबिंब विषम संख्या में बनते हैं, सम में कभी नहीं बनते, इसलिए उसका उत्तर होगा 5। वैसे भी इसमें 6 ऑप्शन ही नहीं था इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता, मैंने अंडरलाइन करके ये प्रश्न कराया था आपको, अंडरलाइन करके मेरे नोट्स में आपको देख लेना, और मैंने प्रपोजल का निशान लगाया था। ये पूछता है लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय, किससे डिटरमाइन होती है? वो होती है बेटा एम्पलीट्यूड से, आयाम से, आयाम, जिस ध्वनि का आयाम जितना ज्यादा होता है उसकी लाउडनेस उतनी ज्यादा होती है, उसकी तीव्रता उतनी ज्यादा होती है, ठीक है। फिर था अवतल दर्पण, ये मैंने टेबल बनाई थी और आपसे मैंने वादा किया था इस टेबल से एक प्रश्न नहीं आए तो मुझे आकर के चैलेंज कर देना आप, और उस टेबल से प्रश्न आ गया बेटा, और मैंने टेबल में शुरुआत भी वक्रता केंद्र से की थी। मैंने कहा था आप हमेशा याद रखो दो तीन चीजें वक्रता केंद्र से ऊपर बनाओ, दो चीजें वक्रता केंद्र से नीचे बनाओ, एक वक्रता केंद्र को लो। वक्रता केंद्र पर कभी हम वस्तु को रखते हैं तो हमेशा प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा, सी बराबर सी, इसलिए ये तो चीज ठीक। फिर मैंने आपको बताया था जो चीज जैसी होती है वो वैसी कभी नहीं दिखती, वास्तविकता हमेशा उल्टी होती है, मैंने कहा था वास्तविकता हमेशा क्या होती है? उल्टी होती है, इसलिए सी बराबर सी यानी समान बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा।
शिक्षण विधियों में मैंने कराया था वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का मुख्य दोष क्या है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं बेटा, उसके हम अगर विशेषताओं की बात करें तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है व्यापकता होती है, सारा सिलेबस कवर हो जाता है उससे, बिल्कुल रिलायबिलिटी होती है, क्रेडिबिलिटी होती है, वैलिडिटी होती है, 6 गुण हमने इसके कराए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसमें आपके पास ऑप्शन है, वही 4 ऑप्शन में से एक करना है। जैसे ये प्रश्न था, उसमें आप अपने तरफ से उत्तर नहीं लिख सकते, ये ऑब्जेक्टिव एग्जाम है आपका, इसमें जो उत्तर है उसी को आप एक चुनो, यानी हम अपनी अभिव्यक्ति को नहीं दर्शा सकते। तो अभिव्यक्ति का अभाव वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सबसे बड़ा दोष है। उसके बाद प्रश्न था, किस गुण के कारण परीक्षा में शुद्धता एक्यूरेसी रहती है। एक्यूरेसी आपके ये जो आज एग्जाम हुआ है, एक्यूरेसी कब रहेगी आपकी ओमार शीट की, जब सबके उत्तर समान होंगे, जब सबके उत्तर पहले आरपीसी निकाल देगी, यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में सबसे ज्यादा एक्यूरेसी रहती है। तो एक्यूरेसी किस में रहती है बेटा, हमेशा रहती है वस्तुनिष्ठ में। आगमन विधि से हम हमेशा, आपको मैंने बताया, इससे हम सूत्र की स्थापना करते हैं, हम उदाहरण देकर के एक नियम की स्थापना करते हैं, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ चलते हैं, हम पार्ट से होल की तरफ चलते हैं, ये हमारी आगमन विधि थी। अगर उसका उल्टा कर दें तो निगमन हो जाएगी। मैंने वीडियो बनाई थी रोगों पे और आपसे वादा किया था, मैंने रोग पे 3 वीडियो डाली थी बेटा, 3 वीडियो से 3 पर्सन आए हैं। वायरस जनित रोग कौन सा है बेटा, मैंने रेखा है ना, पोचे पड़ जा, तो रेबीज रेखा से पहले ही, पहला ही हमारा वीडियो का पहला ही जो ऑप्शन था वही इससे पूछा गया है, रेखा फॉर रेबीज, रेबीज वायरस जनित रोग है। ईस्ट मैंने बताया था खमीर है ना, सैक्रोमाइसी सर्विसी मैंने वैज्ञानिक नाम भी आपको लिखाया था, वो किसका उदाहरण है बेटा, कवक का। कोल्ड हैबिटाट, कोल्ड हैबिटाट के प्रश्न, ये तो प्रश्न आप वैसे भी कॉमन सेंस से भी कर सकते थे, इससे कॉमन सेंस लगा करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते थे। ऑप्शन थे हाइड्रिला जलीय पौधा है, नागफणी ये मरुस्थलीय पौधा है, बांस उष्णकटिबंध का पौधा है, सोल्डनेला ये हमारा कोल्ड हैबिटाट का पौधा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बेटा लीवर, ठीक है। और फिर हमारा रोग से प्रश्न पूछा गया था, क्षय रोग टीबी माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होती है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी से होती है, मैंने बताया भी था, एक रसोईया था वो घर घर रोटी पकाता था, उसके नाम के आधार पर कुकर खांसी, बार्टेटेला पर्टुसिस से होती है, छोटी माता वेरियोला जोस्टर से होती है, वेरिसेला जोस्टर से होती है। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद करते हैं कि हमने आपके लिए जो प्रयास किए हैं वो आपके आज के जो एग्जाम है उनमें कारगर साबित होंगे। अगर किसी प्रकार का आपको इसमें लगे सस्पेंस लगे, या आपके पर्सन या और किसी के आंसर की में सस्पेंस लगे, तो मैं मेरे मोबाइल नंबर लिख देता हूं, आप मुझे कॉल कर सकते हैं और मैं आपकी सहायता करूंगा ऑब्जेक्शन क्लियर करने में। उम्मीद करते हैं कि जो तैयारी करने वाले गंभीर साथी हैं उनको फायदा होगा। किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन साइंस से आपको लगता है कि ये होने चाहिए, इसके बाद हम सर और मैं मिलकर के एसएसटी की जो रीट आज एग्जाम हुई है उसके आंसर की डालेंगे, उसका पेपर डालेंगे, शिक्षण विधियों का पेपर डालेंगे। तो जुड़े रहिए मित्रों, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और कमेंट कीजिए। किसी प्रकार की आपको लगता है कि इस पर्सन पे सर क्या उत्तर होना चाहिए, मैं आपको विद प्रूफ एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक सहित रेफरेंस बुक सहित आपको इसके प्रमाण दूंगा, तो आप इस नंबर पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, और चयन के लिए शुभकामनाएं।